टाइटैनिक के बाद पनडुब्बी टाइटन के तबाह होने का खतरनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा। पल पल की अपडेट पर हर शख्स यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की जान बच जाए। लेकिन अफसोस, पनडुब्बी पहले दिन ही मौत की गोद में समा गई थी। समुद्र के भीतर जाते ही लगभग 2.25 घंटे बाद ही पनडुब्बी के अंदर अंतस्फोट हो गया, जिसके बाद पनडुब्बी का कतरा कतरा अब तक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। टाइटैनिक को डूबे 111 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज फिर से समय ने खुद को दोहराया है। टाइटन का मलबा भी टाइटैनिक के पास से ही मिला है। ऐसे में लोगों के मान्यताओं के अनुसार सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, किस बला ने निगला टाइटन? जैसे ही लोगों को ये पता चला कि टाइटन में धमाका हुआ है, तो लोगों ने अजीब मान्यताओं के आधार पर ये कहना शुरू कर दिया कि टाइटैनिक का अभिशाप भी टाइटन को खा गया। लोगों का कहना है कि टाइटैनिक के यात्री शापित थे और 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक के समुद्र में उतरने से पहले भी कई घटनाएं हुई। एक घटना में हॉरलैंड और वोल्फ शिपयार्ड पर हादसे के कारण 8 मजदूरों की जान चली गई। हालांकि उस समय सुरक्षा के कम इंतजाम होने के कारण ऐसा होना आम बात थी, लेकिन इन मान्यताओं का ऐसा डर बैठा कि खुद टाइटैनिक के ऑनर जेपी मॉर्गन ने शिप पर बैठने से इनकार कर दिया। इस लिस्ट में कई और लोग भी शुमार हैं जिन्होंने आखिरी मौके पर ट्रिप कैंसिल कर दी थी। क्या मम्मी ने टाइटैनिक को डुबो दिया? ब्रिटिश एडिटर विलियम स्ट्रिट की माने तो लंदन में एक मम्मी के कारण कई अनहोनियां हुई हैं और इसी मम्मी को शिप पर रखा गया, जिस कारण से ये जहाज डूब गया। वहीं मिस्र के जानकार करोल एंड्रयूज की माने तो मम्मी को शिप पर ले जाया जाना था, बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। दूसरी ओर विशेषज्ञों की माने तो इसे काल्पनिक बातों का कोई आधार नहीं है और तकनीक के जमाने में इसकी कोई जगह भी नहीं है। DGND न्यूज में आपका स्वागत है। हम सत्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सदैव तत्पर हैं। कृपया इसे सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाएं और भारत और अन्य देशों से नवीनतम समाचार अपडेट प्राप्त करें। अगर आपको हमारा न्यूज़ चैनल पसंद आया हो तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।